अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। कोरोना काल में अन्य सभी चिकित्सीय सेवाएं ठप होने से नागरिकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालात यह है कि कोरोना के अलावा किसी भी बीमारी का इलाज करने के लिए नहीं तो जांच सेंटर चालू है और ना ही कोई चिकित्सक उपलब्ध है। इस परेशानी को देखते हुए अब योगी सरकार ने जिला चिकित्सालयों, महिला चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और निजी चिकित्सालयों में तत्काल प्रभाव से कुछ सुविधाएं शुरू करने की घोषणा कर दी है। प्रमुख सचिव अमित मोहन प्रसाद द्वारा प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों, सीएमओ व मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को आदेश की प्रति उपलब्ध करा दी गई है। इसमें कहा गया कि आकस्मिक व आवश्यक सेवाओं को आरंभ करने से पूर्व में निर्देश दिए जा चुके हैं। बावजूद इसके इनकी जानकारी में आया है कि लोगों को कई प्रकार की अन्य चिकित्सीय सेवाओं की बहुत आवश्यकता है और वह उन्हें नहीं मिल रही है। विशेषतः बहुत से लोगों के ऑपरेशन रुके हुए हैं और अब ये सुविधाएं जनता को उपलब्ध कराना आवश्यक हो गया है। प्रमुख सचिव ने अपने आदेश में कहा है कि जिला चिकित्सालयों, महिला चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों व निजी चिकित्सालयों में तत्काल प्रभाव से ये सेवाएं आरंभ की जा रही हैं। इनमें सर्जरी से संबंधित ओपीडी सेवाएं प्रारंभ की जाएंगी, किंतु सामान्य ओपीडी अभी स्थगित रहेगी। जो सुविधाएं फिलहाल आरंभ की जा रही हैं उनमें सर्जरी से संबंधित ओपीडी सेवाएं प्रारंभ की जाएंगी, किंतु सामान्य ओपीडी अभी स्थगित रहेगी। रेविज एवं अन्य टीकाकरण की सुविधाएं आरंभ की जाएंगी। क्षय रोग की जांच एवं उपचार की सुविधा आरंभ की जाएगी। एचआईवी की जांच एवं उपचार के लिए आईसीटीसी एवं एआरटीसी केंद्र आरंभ किए जाएंगे। जिला चिकित्सालय एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में चलाए जाने वाले असाध्य रोग एनसीडी क्लिनिक आरंभ किए जाएंगे। गर्भवती महिलाओं की जाँच एवं उपचार की सुविधा प्रदान की जाएगी। जिलों में 2 वर्ष तक के बीमार शिशुओं के लिए जाँच एवं उपचार और इस हेतु सरकारी क्षेत्र में 102 एम्बुलेंस का उपयोग अधिकार किया जाए। गर्भ समाधान एवं नसबंदी की सुविधा उपलब्ध की जाएगी। डायग्नोस्टिक इमेजिंग एवं प्रयोगशाला आरंभ की जाएंगी। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।